नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये तृतीय वर्ष की जो कक्षा है जीव विज्ञान का सेक्शन शास्त्र। और जीव विज्ञान का सेक्शन शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है प्रथम इकाई जो है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, निर्माण सिद्धांत एवं पाठ्यपुस्तक। तो उसका जो प्रकरण है, प्रकरण है हमारे सामने जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसके अंतर्गत प्रथम जो सोपान था वो था लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण। उसका अध्ययन हमने इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में किया है। तो साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय, द्वितीय जो हमारा हमारा जो मुख्य विषय का वो है अधिगम अनुभव का चयन। अधिगम अनुभव का चयन पाठ्यक्रम निर्माण का एक द्वितीय सोपान है, पाठ्यक्रम निर्माण का द्वितीय सोपान है। और इस द्वितीय सोपान के अंतर्गत किन बातों का समावेश होना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण में जो द्वितीय सोपान जो है, जो अधिगम जो हमारा शिक्षण के द्वारा हम अधिगम करते हैं उसका किस प्रकार इसके सोपान में हम इसका उपयोग करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाठ्यक्रम जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अधिगम अनुभवों, जो अधिगम अनुभव होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, उनके द्वारा निर्धारित होता है। तो अब ये मान के चलिए कि पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है वो अधिगम करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अधिगम अनुभवों, जो अधिगम अनुभव है उन अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करती है। अधिगम के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं हमें, और उन अनुभवों को पाठ्यक्रम में सबसे पहले दर्जे पर रखा जाता है। हमारे अधिगम के अनुभव को हमने उस प्रोसेस के द्वारा अनुभव किया है, उसका पाठ्यक्रम में एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, एक उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप ये मान के चलिए कि हम छात्र पाठ्यक्रम निर्माण में या यूं कह सकते हैं कि हम अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास हमेशा करते हैं। जितने अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की जो प्रक्रिया है या लर्निंग प्रोसेस जो है, वो जितनी अधिक जो प्रभावी होगी, जितनी अधिक इफेक्टिव होगी, जो लर्निंग प्रोसेस जितनी अधिक इफेक्टिव होती है, उतना ही हमें अनुभव अधिक प्राप्त होंगे और शिक्षण प्रक्रिया अधिक अधिगम प्रक्रिया उतनी ही अच्छी और तीव्र होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य जिन तक मतलब ये मान के चलिए कि अधिगम प्रक्रिया को हम इतना प्रभावी बनाएंगे उसे हमें पाठ्यक्रम निर्माण में हमें सहायता प्राप्त होगी। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि अधिक अनुभव का चयन करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि अधिक अनुभवों का चयन करके अनुभवों का चयन करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का
हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि अधिगम अनुभव एवं चयन की चयन अधिगम के अनुभवों एवं चयन और साथ में पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया है और पाठ्यक्रम प्रक्रिया को हम कुछ रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। वो रूप कैसे हो सकते हैं? वो रूप है, सबसे पहला कुछ रूपों में हमने तय किया है कि पाठ्यक्रम का अधिगम अनुभव के रूप में कैसा होगा। तो उन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे और उन बिंदुओं में सबसे पहले जो पहला जो बिंदु हमारे सामने आता है वो है शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। शिक्षण अधिकार सबसे पहला तो मान लीजिए शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव, विद्यालय जीवन के अनुभव। शिक्षक विद्यालय जीवन के जो अनुभव है हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर ऑफ स्कूल लाइफ, मतलब विद्यालय जीवन जो हमारी स्कूल लाइफ है उसके हमारे मतलब स्कूल लाइफ के जो अधिगम अनुभव है हमारे स्थान दिया जाता है। और दूसरा है, दूसरा जो हमारे सामने है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव ठीक है दोस्तों। और अगला जो अनुभव हमारे सामने होगा कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभव। कक्षा कक्ष की जो क्लासरूम टीचिंग है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसके अनुभव भी हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। तो हो जाएगा कक्षा इंटरेस्टिंग कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभव। कक्षा अधिगम अनुभव। उसकी बात आते हैं हमारे सामने वो है रुचि संबंध का रुचि जो सब मान के चलिए कि रुचि संबंध जो अधिगम अनुभव है किसी भी प्रक्रिया में या मतलब सिखाने सीखने से पहले प्रक्रिया में बालकों की रुचि या अभिभावकों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो रुचि अधिगम अनुभव को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं संबंधी अधिगम अनुभव। और इसके साथ में हम आगे जो पढ़ेंगे वो जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं जैसे सरलता से कठिन की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो
इस तरह की जो सिक्स सूत्र है उनका समापन करेंगे। उसमें आएगा सिक्स सूत्र संबंधी अधिनियम बोला शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव है उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह तो हमारे अगला शिक्षण हेतु है वो है वो अधिगम के नियम संबंधी अधिगम के हमारे नियम है अधिगम अधिगम के नियम संबंधी जो हमारे अनुभव है शामिल करेंगे। अब इसी के अंतर्गत हमने अधिगम अनुभव भी सम्मिलित किया और अब हम जो उसमें सम्मिलित करेंगे वो है अधिगम सिद्धांत को संबंधित अनुभव इसमें हम शामिल करते हैं। अधिगम अधिगम अनुभव संबंधी जो हमारे अधिगम सिद्धांतों संबंधी जो हमारे अनुभव है उनको भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे। तो साथियों इसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि अधिगम अनुभवों का चयन है वो हमारे इस पाठ्यक्रम निर्माण सोपान का कृति चयन है। जब तक हम पाठ्यक्रम निर्माण की क्षमता ये समझने के लिए किसी के भी समझने के लिए कि हम पाठ्यक्रम का निर्माण करने जा रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हम किन किन सोपान को किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे हम स्टेप्स को फॉलो करने में सबसे पहले तो अपने लक्ष्य सबसे पहले अपने लक्ष्य को उद्देश्य को निर्धारण लक्ष्य को उद्देश्य लक्ष्य ये होगा कि उसका लक्ष्य है कि मुझे इस लेवल पे या इस दर्जे पे पहुंचना है तो वो उनका लक्ष्य है और उद्देश्य उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या एम क्या है क्यों उस लक्ष्य के पीछे पहुंच जाता है और वो क्यों इसके लिए करना चाहता है प्रयास करना सीखते हैं जब इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम अपना जो फोकस करते हैं तो हम
कक्षा कक्षी अधिगम अनुभव कक्षा कक्षी क्या है जैसे कोई जो एक्टिविटी पेस से लर्निंग करा रहा है तो उसी भी पालक में सीखने को मिलेगा उसके बाद है रुचि संबंधी अधिगम अनुभव रुचि संबंधी अधिगम अनुभव कैसे होंगे जैसे मान लीजिए कि आप किसी बालक लेके गए थे लाइब्रेरी में तो वो कोई तो अपनी कविताओं की किताब निकालेगा कोई अपने कहानी की किताब निकालेगा कोई चुटकुले की किताब देगा अच्छे से गीत बाल को निकाल देगा या कोई कॉमिक्स पढ़ना पसंद आएगा सीखने का प्रयास करता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव शिक्षा सूत्र का जब आप जिन्हें छात्र अध्यापक है आप लेसन प्लान कर रहे हैं उसमें उस प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र का समावेश कैसे करेंगे कि भाई आप कोई संस्कृत का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं या कहानी पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को आज मैं उनको अच्छी कहानी सुनाता हूँ कहानी सुन के कहानी क्या होती है अच्छा कहानी क्या होती है या फिर कोई दीपावली पे पढ़ाने जा रहे हैं दीपावली की कहानी पढ़ेगी उपनिषद क्या है प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना के बारे में सुनाएंगे उसके बाद आप अपने टॉपिक को प्रकरण में आएंगे अधिगम के नियम जो अनुभव है अधिगम के नियम किसे होते हैं अधिगम के नियम जो है सीखने के नियम क्या है कि भाषा सीखने के या किसी भी विषय को सीखने के जो आधार पर कौशल दिए हुए हैं वो कैसे हम फॉलो करते हैं किस किस कौशलों का हमें उपयोग करना है वो है सीखने के लिए हमारे कि अधिगम सिद्धांत का संबंधी प्रथम सिद्धांत के संबंध के तौर पर अधिगम सिद्धांत का समाधान प्रतिष्ठित करने की कोशिश की तो एक प्रिंसिपल्स है सिद्धांत है उनको फॉलो करते हुए भी हम अपने निर्माण को मतलब एक निर्माण को फॉलो कर सकते हैं उसके निर्माण में हम इसका महत्वपूर्ण हाथ मार सकते हैं तो साथियों आज के लिए इतना ही